फ्रेंड्स, बिहार गेस्ट टीचर भर्ती 2023 अंतिम पड़ाव में है। निश्चित तौर पर जितने भी आप शिक्षक अभ्यर्थी होंगे प्लस टू में अतिथि शिक्षक बनने की दौड़ में, वो सभी स्टूडेंट्स में बेचैनी होगी। 27 और 28 तारीख को विकल्प देने की बात थी और आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने जो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पर आपकी संभावना प्रबल होगी, वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सहित उपस्थित हुए होंगे और अपने काउंसलिंग के बाद आपने विकल्प के तौर पर 3 विद्यालय दिए होंगे। अब वो विकल्प के तौर पर वो सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची जो है वेबसाइट पे अपलोड होगी, कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के NIC पर अपलोड होंगे और उसके बाद फिर जो है जिला शिक्षा कार्यालय से आपको नियोजन पत्र मिलेंगे, फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और 31 तारीख तक आपको योगदान करना है। योगदान के वक्त आपको क्या लगेंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट में ये बातें इंडिकेट रहेगी कि आपके सभी प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने सही दिया है, और दूसरा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं। ये 2 सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करने होंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट द ऑफिस ऑफ द कंसर्निंग स्कूल, जो आपके स्कूल्स होंगे उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास आप जो है जहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे वहाँ पर जमा करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखने पड़ेंगे। 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है, तो आज और कल, संडे हो गया, आज तो मुहर्रम का छुट्टी ही है, तो ये 2 दिन तो ऑफिस ऐसे ही बंद रहेंगे। तो सोमवार जो है हमारा, मतलब मंडे और ट्यूजडे का जो समय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो निश्चित तौर पर ये 2 दिन आप हैप्पी रहिए, क्योंकि उसके बाद जो है सोमवार की को प्रक्रियाएं तेज होगी और आप विद्यालय में आप योगदान कर पाएंगे। अतिथि शिक्षक के तौर पर हम आपको बता दें कि BPSC टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में जो PGT TGT के लिए आप जो फॉर्म भरे होंगे, तो आपका मूल मकसद वही है। आपको बिहार सरकार ने एक झुंझुना थमा दिया है कि आप इसमें खुश होइए, और बिहार सरकार की कोई गारंटी नहीं है, आप सबको पता है, आप सभी शिक्षक बंधु हैं, कितने सारे चक्रव्यूह से निकलकर आपने STT हाई स्कूल प्लस टू क्वालिफाई किया होगा, मैं समझ सकता हूं, और फिर भी ये झुंझुना जो है आप सबके हाथों में थमा दिया गया है। तो आप यहां तक नहीं रुके, आप लोगों का लक्ष्य है कि आप BPSC टीचर रिक्वायरमेंट में PGT के तौर पर अपने आप को एस्टाब्लिश कर पाएँ और परमानेंटली आप स्कूल में योगदान करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये 2 चीज़ें, एक मेडिकल सर्टिफिकेट और आपको एफिडेविट, ये दो चीज़ लगेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची आपके कंसर्निंग जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।